सिस्टम और नाउ बैंकिंग प्रणाली को उद्धृत करने से वित्तीय लाभ प्रचुर मात्रा में प्राप्त होंगे। पिछले वर्ष की तुलना में वाणिज्यिक बैंकों के एनपीए में लगभग 1 लाख करोड़ से भी अधिक की गिरावट आई। पिछले 4 वर्षों में आईबीसी और अन्य उपायों के चलते 4 लाख करोड़ से अधिक की रिकॉर्ड वसूली हुई है। वर्तमान में प्रावधान कवरेज अनुपात 7 वर्षों में अपने उच्चतम स्तर पर है और घरेलू क्रेडिट वृद्धि बढ़कर 13.8% हो गई है। सरकार ने समेकन प्रक्रिया को सुचारू ढंग से चालू किया है, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या घटकर 8 रह गई है। इसके साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र के 6 बैंक त्वरित सुधार कार्यवाही ढांचे से बाहर निकलने में सक्षम हो गए हैं। At the same time, as many as 6 public sector banks have been enabled to come out of prompt corrective action framework. We've enabled 6 public sector banks to come out of that situation. पैतृक संपत्ति के मामले से निपटने के लिए फिलहाल अर्थव्यवस्था को व्यापक तौर पर प्रोत्साहित करने और बैंकों के क्रेडिट को बढ़ावा देने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 70,000 करोड़ की और राशि उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है। जीवन को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए वे प्रौद्योगिकी का लाभ उठाएंगे, ऑनलाइन व्यक्तिगत ऋण और दहलीज पर बैंकिंग सुविधा का प्रस्ताव देंगे तथा एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के ग्राहकों को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सेवाएं लेने में समर्थ बनाएंगे। इसके अलावा सरकार ऐसी वर्तमान स्थिति में सुधार करने के लिए खाताधारकों को सशक्त बनाने के लिए कदम उठाएगी, जहां अन्य द्वारा उनके खातों में नकद राशि जमा किए जाने पर कोई नियंत्रण नहीं होता। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अभिशासन को सुदृढ़ कराने के लिए भी सुधार किए जाएंगे। हमने कदम उठाए हैं ताकि समस्या का निदान हो सके और सुधार भी किए जाएंगे। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां छोटे और मध्यम औद्योगिक खंडों में खपत मांग के साथ साथ पूंजी सृजन को बनाए रखने में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। एनबीएफसी जो मूल रूप से काफी सुदृढ़ है को अत्यधिक प्रतिकूल जोखिम के बिना बैंकों और म्यूचुअल फंड से वित्त पोषण प्राप्त करना जारी रखना चाहिए। वित्तीय रूप से सुदृढ़ एनबीएफसी जिनकी चालू वित्त वर्ष के दौरान कुल 1 लाख करोड़ रुपए की राशि को उच्च दर वाली जुटाई गई अस्थियों की बिक्री करने के लिए सरकार 10% तक की प्रथम हानि के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के लिए 6 माह की आंशिक क्रेडिट गारंटी मुहैया कराएगी। मैं इसको फिर से पढ़ना चाहूंगी। चालू वित्त वर्ष के दौरान कुल 1 लाख करोड़ रुपए की राशि को उच्च दर वाली जुटाई गई अस्थियों की बिक्री करने के लिए सरकार 6 महीने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को आंशिक क्रेडिट गारंटी मुहैया कराएगी और ये 10% तक होगा। इसके अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक एनबीएफजी का विनियामक है, तथापि आरबीआई का एनबीएफसी पर सीमित विनियामक प्राधिकार है। वित्त विधेयक में एनबीएफसी की तुलना में आरबीआई के विनियामक प्राधिकार को सुदृढ़ बनाने के लिए उपयुक्त प्रस्ताव किए जा रहे हैं। एनबीएफसी जो सार्वजनिक ऋण देता है वो डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाए रखना होता है। इसके अलावा आरबीआई द्वारा अपेक्षित अनुसार एक विशेष रिजर्व भी बनाए रखना होता है। एनबीएफसी को पब्लिक इश्यू से धन जुटाने की अनुमति प्रदान करने के लिए
DRR का सृजन करने की आवश्यकता समाप्त कर दी जाएगी। Not registered as NBFCs factor, the on the TREDS platform, जो वर्तमान में केवल एक पब्लिक इश्यू पर ही लागू है, जबकि निजी क्षेत्र को इससे छूट प्राप्त है और all NBFCs to directly participate on the TREDS platform. TRDS प्लेटफॉर्म में NBFC कारक के रूप में पंजीकृत न होने वाले अधिक भागीदार, विशेषकर आवास क्षेत्र के लिए एक अनुकूल नियम बनाया जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेशनल हाउसिंग बैंक, जो कि दोबारा फाइनेंस करता है, उधार देता है, आवास संबंधी वित्तीय क्षेत्र का नियामक भी है। इसमें NHB को कुछ हद तक विवादास्पद तथा कठिन कार्य मिलता है। मेरा प्रस्ताव यह है कि आवास संबंधी वित्तीय क्षेत्र के विनियमन का जो प्राधिकार NHB को दिया गया है, वह उसे वापस लेकर भारतीय रिजर्व बैंक को सौंप दिया जाए। वित्त विधेयक में आवश्यक प्रस्ताव शामिल कर लिए गए हैं। सरकार ने ओवर द हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर फ्रॉम NHB टू द RBI नेसेसरी प्रपोजल्स हैव बीन प्लेस्ड इन द फाइनेंस बिल इवन फॉर दैट। सरकार ने अगले 5 वर्षों में बुनियादी सुविधाओं में 100 लाख करोड़ का निवेश करने की अपने इरादे की घोषणा की है। ओवर द नेक्स्ट 5 इयर्स 100 लाख करोड़ का निवेश होगा बुनियादी सुविधाओं में अगले 5 वर्षों में। इस दिशा में एक ऐसी विशेषज्ञ समिति के गठित करने का प्रस्ताव किया गया है, जिसका कार्य दीर्घकालिक वित्त संबंधी वर्तमान स्थिति, विकास पूरक वित्तीय संस्थानों के बारे में हमारे पुराने अनुभवों का अध्ययन करना और इन बुनियादी संरचनाओं के बारे में अपनी सिफारिश देना है, तथा यह बताना है कि विकास परक वित्तीय संस्थानों के माध्यम से कितने धन को दिए जाने की जरूरत पड़ेगी। पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण, राष्ट्रीय पेंशन योजना को लागू करना और इसको विनियमित करते हैं, जो कि विभिन्न मध्यस्थों की सहायता से होता है, जिसमें अन्यों के अलावा NPS ट्रस्ट भी शामिल है। योगदान करने वालों के व्यापक हितों को देखते हुए NPS और GFRD के बीच एक दूरी को देखते हुए NPS ट्रस्ट को PFRDA से अलग रखने और उसको साथ एक यथोचित संगठनात्मक संरचना प्रदान करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय बीमा समव्यवहारों को देश में ही पूरा करने की सुविधा प्रदान करना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में विदेशी पुनः बीमाकर्ताओं की शाखा खुलवाने के लिए सरकार ने नेट ओल्ड फंड की जरूरत को 5000 करोड़ से कम करके 1000 करोड़ करने का प्रस्ताव किया है। मैं इसको फिर से दोहराऊंगी, बीमाकर्ताओं की शाखा खुलवाने के लिए सरकार ने नेट ओल्ड फंड की जरूरत को अंतर्राष्ट्रीय बीमा समवारों को पूरा करने के लिए और फंड की जरूरत को 5000 करोड़ से कम करके 1000 करोड़ करने का प्रस्ताव किया है। सरकार गैर वित्तीय सार्वजनिक क्षेत्र प्रतिष्ठानों में निवेश को कम करने की नीति अपना रही है, जिससे कि सरकार का हिस्सा 51% से नीचे ना जाने पाए। जिन मामलों में उपक्रमों को अभी भी सरकार के नियंत्रण में बनाए रखना है, वहाँ सरकार मामले दर मामले के आधार पर 51% से नीचे, लेकिन एक यथोचित स्तर पर बनाए रखने का विचार कर रही है।